अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज एक ऐसी स्टोरी आपको मैं सुनाने जा रहा हूं जो हमारे फ्रेशर फ्रेंड्स हैं, जो किसी भी फील्ड से ज्वाइंड हों, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हों, उनके लिए एक मोटिवेशन मेरी तरफ से, एक छोटी सी कोशिश कि आप जो है कभी भी अपने लाइफ में हिम्मत नहीं हारना मेरे भाई। क्योंकि बात है 1996 की, जब 1996 में एक टीचर पढ़ा रहा था अपने भरे हुए क्लास में और सब अपने बच्चों को ये बता रहा था कि लाइफ का कुछ मकसद होना चाहिए, लाइफ में बड़े ख्वाब होना चाहिए। तभी सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर उस टीचर से एक सवाल किया कि सर आपके क्या बड़े ख्वाब हैं, आपके लाइफ का क्या मकसद है। तो उस टीचर ने अपने कॉफ़ी के मग को टेबल पर रखा और उसने क्या बड़ी बात कि मैं अपने देश का, मैं अपने कंट्री का प्रेसिडेंट बनूंगा। सारे स्टूडेंट्स क्लास के ठहाके लगाकर हंसने लगे कि ये कैसी बात कर रहे हैं हमारे टीचर। लेकिन गाइस, वही बंदा इतिहास गवाह है, पूरी दुनिया ने देखा कि वही बंदा अमेरिका का प्रेसिडेंट बना, और एक बार नहीं बल्कि दो बार बना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बराक ओबामा की, कि जो अपने लाइफ में दो बार जो है प्रेसिडेंट बना अमेरिका का, जो कि 1996 में टीचर हुआ करता था। तो गाइज, आपके ख्वाब बड़े होने चाहिए, और सिर्फ ख्वाब बड़े नहीं होने चाहिए बल्कि ख्वाब के साथ साथ आपके जो कार्य हैं, आपकी जो हिम्मत है, आपके जो रोज़मर्रा की जो लाइफस्टाइल है, वो भी चेंज होना चाहिए, वो भी मोटिवेशन होना चाहिए दूसरों के लिए।